हेलो जी, हेलो जी, हैप्पी वीकेंड। आज बहुत टाइम बाद खूब सोई हूँ। दोपहर में पतिदेव की छुट्टी थी और मुझे मौका मिल गया सोने का, तो अभी निकले हम लोग सब्जी लेने के लिए। शाम का टाइम हो रहा है। ये रहे हमारे त्रिशान जी और तक्ष। त्रिशु हेलो कर दो, से हेलो। ये देखो तक्ष को देखो, चुपचाप बैठ जाता है करके। तो छुट्टी है तो पास में ही सब्जी मंडी है, तो हम लोग जा रहे थे। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि दिन भर घर में बैठे बैठे थोड़ा लगता ही है। वैसे शाम को ये सो जाते जनाब, लेकिन ये चुपचाप बैठ के क्या हुआ आज क्या है? अरे ये जो आते हैं जो कॉटन कैंडी, ये इस कलर की भी आने लगी, ग्रीन कलर की। मैंने तो सिर्फ पिंक कलर की देखी है। ये रही मेरी सोसाइटी, इसका बैक साइड वाला गेट। ये ब्रेकर पता क्यों बनाया है? जानबूझ के बनाया है ये ब्रेकर, क्योंकि इस टाइम पे इतनी बसेस यहाँ रहती है ना, और अंधाधुंध चलाते हैं लोग। तो चलिए जी सब्जी मंडी चलते हैं, कुछ कुछ सब्जी ले ली। ये बड़ा लफड़ा है, क्या बनाए क्या बनाए, रोज क्या है दश क्या, रोज क्या बनाए, ये सबसे बड़ा टेंशन रहता है। हेलो, ये देखो इनका तो टर्शन ही कम होता। अपने सारे सनग्लासेस तक जो है गाड़ी में रख दिए लाके। आ जा, तुम भी आ जा। किसको बोल रहे हैं? सामने से शांत। ये क्या खुला है मातत्व, ये कुछ वो खुला है क्या था क्या? पा अस्पताल खुला है, इनफर्टिलिटी गायनेकोलॉजिस्ट है ये है? अच्छा, इस मार्केट में कुछ ज्यादा वो नहीं खुल गए दुकान शॉप्स वगैरह? हाँ, यार इसी में खुला था वो क्लिनिक, वो जो बता रहे थे ना, वो वाला प्रधानमंत्री वाला, इसमें खुला है। गर्मी शुरू हुई नहीं, लस्सी वाला पहले खुल गया। ये देखिए लगता ना, ये डॉक्टर साहब कहाँ गए हमारे, उसकी जगह लस्सी बेचने लगे क्या? ये देखो, अच्छा अच्छा नहीं 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 डॉक्टर भी है, डॉक्टर के साथ वाला है उसमें खुला है। मुझे लगा डॉक्टर अब लस्सी बेचने लगे। तस्के पापा खाने लेना, पपीता मत लेना, पेट बाबू को ठीक नहीं है। सब्जी आ गई भाई। तो सब्जी जी हम ले चुके हैं। तक्ष के पापा पता नहीं क्या ले रहे, फ्रूट ले लिया। बेर नहीं खाऊंगी, बेर आने लगे। शिव ओए होए, बड़ा हॉर्मोन। नोएडा से बेटा अभी टॉय, अभी अब पहले एग्जाम दे लो, उसके बाद तक्ष ठीक है। टॉय की पड़ी है, सब्जी सब ले लिए हम लोगों ने। अच्छा क्या कर रहे हो, उसको रखो उसमें। तक्ष की एक चीज नहीं मिली बस, जो हम ढूंढ रहे थे। चलिए मिलते हैं घर पे, है ना बेबू? बेबू को देखो, मेरे बेबू को घूमी घूमी करने आयो। तक्ष के पापा निशान को बिल्कुल पसंद नहीं है घर पे जाना। गाड़ी रुकी, अरे ये प्लाजा चालू हो गया। अरे वाह, त्रिशान जी हमारे परेशान है। पीज इन पोड, चलो अपने पिज्जा वाले से पिज्जा बनवाते हैं। ओके, तो आज बड़ा पिज्जा पार्टी है, जैसे उस दिन खाए थे, जैसे उस दिन लाया था मैं चीज बस वाला। तो ये लोग रुक गए हैं पिज्जा लेने के लिए, मैं खड़ी हूँ इस साइड में। वो रहे लो, अभी आपको दिखाते हैं। ये खड़े, इसका ना मेरे घर के पास ही है ये, और पिज्जा इसका बहुत बढ़िया है। क्या हो गया इस बच्चे की? बाहर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, घर में आते ही देखा इसको है, घर पे घुसे नहीं, रोना शुरू हो गया। निनू आ गया। अच्छा रो मत, चलो सुला देते तुमको, सुलाते हैं।
तक्ष अपना पिज्जा एंजॉय करे और मैं त्रिशांक को सुलाती हूँ जब तक, ठीक है? चलो भाई रो मत अब, चलो। संडे का लुत्फ लिया जा रहा है। तक्ष ले लो पराठा, ले लो मेथी के पराठे, ब्रेड ऑमलेट। और तक्ष के पापा का खा दे बैठ के, बालकनी में बैठ के एंजॉय किया। और ये को मेरे चुन्नू, मेरा चुन्नू क्या कर लो। अब तो सच में धूप बहुत तेज लगने लगी है ना, और साथ में चाय। और ये मेरा ब्रेकफास्ट। हाँ बोलो, खा ले, खा ले मम्मी। चलो खा लेते हैं, एकदम मस्त। एकदम बिजी हो रहे हो खाने में, कुछ बोल ही नहीं रहे। पहले खा लूँ फिर बोलूँ। है ये भी छुट्टी के दिन ही मौका मिलता है धूप में बैठ के मस्त खाने का। लेकिन अब नहीं धूप, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीक वाली धूप होगी तशिया, वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना? उसमें तो एकदम दिमाग खराब, बैठ ही नहीं सकते हैं ना तक्ष। चलो खाते हैं। तक्ष के पापा अभी गए बच्चों को पार्क लेके, तो मैंने कहा चलो जब तक बना लेती हूँ चाय। तो मैं ना चाय बना रही हूँ। आज त्रिशान ने एकदम हद कर दी, क्योंकि उनको नहीं रुकना है एकदम घर पे, और उनकी वजह से सब एकदम परेशान हो गए, क्योंकि वो इतना रो रहा है उसको घर पे रुकना ही नहीं है। मतलब बाहर एकदम चुप है और घर पे आते हैं उसके इतने मोटे मोटे आंसू गिरने चालू हो जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कौन सी नौटंकी उन्होंने शुरू कर दी। मैंने कहा चलो जब तक ये आएंगे मैं चाय बना लेती हूँ। 5:30 बजे इन्होंने मुझे कहा था, बजी गए 5:30, तो आने ही वाले होंगे। तो मैं चाय वाय चढ़ा के जब तक तैयार रखती हूँ। काम मैंने लगभग सब काम कर लिया है। फ्रिज आज मैंने साफ किया था अपना एकदम बढ़िया से, फ्रिज मेरा साफ हो गया, क्योंकि फ्रिज बहुत गंदा हो गया था। सारी बॉटल्स वगैरह रखी चटनी सॉसेस की। चलो जी चाय बना ले पहले, फिर देखते क्या किया जाएगा। चलो जी सब काम हो चुका है, त्रिशान सो रहे हैं इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। अभी ना इस ब्लॉग का भी एंड करूँगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि 2 दिन से ना ये ब्लॉग चले जा रहा है, और मेरी आंखें देखो कैसे सूज रही है। मुझे ना नींद आ रही है, बहुत रात हो गई, अभी लाइट मैंने जला के रखी है, क्योंकि त्रिशान सो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सो जाए उसी में अच्छा रहेगा, बट इस ब्लॉग का मैं एंड कर दूँगी, वरना 2 दिन से तो ये ब्लॉग चलता रहेगा। अभी ना एक्चुअली क्या है कि मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि त्रिशान जो है थोड़ा मतलब अभी मेरी प्रायोरिटी मतलब कुछ और है, मतलब बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है, तक्ष के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि अगर ये मैं नहीं करूँगी तो घर पे कोई और देखो है नहीं करने वाला, मुझे ही ये सब चीज़ें करनी है। तो इस वजह से ना मैं अभी ब्लॉग्स को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दे रही हूँ अपने, क्योंकि अगर ये नहीं मतलब बच्चे छोटे ना होते ना तो रेगुलर होता ही है। आप देखते हैं मेरे पहले ब्लॉग एकदम रेगुलर आते थे, बट अभी क्या है ना मुझे थोड़ा सा देखो क्या होता है, आप जब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और ये सब चीज़ें किस लिए हो रही है, बच्चों के लिए ही हो रही है ना। तो फिर तक्ष भी इतना छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो मैं उसकी पढ़ाई भी देखनी होती है, और उसका स्कूल का टाइमिंग ना बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको 3:00 बज जाते हैं स्कूल से आते आते, और फिर उसकी पढ़ाई है, उसकी हेल्थ है, सब कुछ देखना है, फिर ये भी छोटा बच्चा है। तो इस वजह से ना रेगुलरिटी नहीं आ पा रही है। ब्लॉग जो है आया करेंगे, मैं कोशिश करती हूँ, एक्चुअली ये मेरा पैशन है कि मैं बनाया करूँ, रेगुलर बनाया करूँ, बट टाइम की कमी की वजह से ना मुझे कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है। टाइम अगर होता भी है ना तो उस टाइम पे बच्चे इतना मतलब त्रिशान इतना परेशान करता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। वो रोने लगता है या फिर मतलब उसको गोदी में लेके घूमते रहो, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है इस वजह से। बट कीप सपोर्टिंग, अभी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी क्या है कि त्रिशान की देखो पहली ठंड भी है, तो मुझे ये सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान देना है। सिर्फ ब्लॉगिंग मैंने देखा है, बहुत लोग बच्चा बीमार है ये है ब्लॉगिंग कर रहे हो देखा, तो ये सब चीज़ें दिखाना मुझे ना देखो अच्छा नहीं लगता है। मैं बस अपने ब्लॉग से सब अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, अपनी मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ, ये दुख हो गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं कभी शेयर भी नहीं करती हूँ। एक घर में आप जब रहते हैं ना तो बहुत तरह की दिक्कतें होती है। जैसे अब त्रिशान को ही अगर मैं आपको दिखाया था कि मैंने वो बीमार है,
ऑलमोस्ट 10 दिन उसको हो गए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बट मैं ये कोई मतलब नहीं बनता है कि 10 दिन तक मैं गाँव की बीमार है, ये है वो, ठीक है, हो जाते हैं बच्चे बीमार हो जाते, तो ध्यान देना है इन सब चीज़ों का। बट इसको लेके सिंपैथी गेन करना तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से ना मैं ब्लॉग कई बार नहीं बनाती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, धीरे धीरे ब्लॉग रेगुलर होंगे। अभी क्या है, बहुत मजा आने वाले हैं आगे ब्लॉग्स में, क्योंकि अब तक्ष के भी एग्जाम हो जाएंगे ना, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, और उसके जब फ्री हो जाऊंगी तो फिर ब्लॉग्स अच्छे से टाइम से शेयर करा करूंगी और ज्यादा। तो अभी के लिए इतना ही है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय ऑल।